दोस्तों, आज का जो ऑस्ट्रियन टी10 लीग का जो सेनेसी क्रिकेट क्लब वर्सेस ऑस्ट्रियन डेयर डेविल्स के बीच में जो मैच रहने वाला दोस्तों, इस मैच के बारे में हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, इस मैच के अंदर जो ऑस्ट्रियन डेयर डेविल्स जो स्क्वाड रहने वाली है वो पूरी पूरी न्यू स्क्वाड रहेगी दोस्तों। इस मैच के अंदर अगर आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं दोस्तों, ये मैच है परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों हर प्लेयर्स का रिकॉर्ड हर किसी के पास नहीं रहने वाला दोस्तों। बाकी मैं आपको यहाँ पे बैटिंग लाइनअप क्या कुछ रहने वाली है और प्लेयर्स के रिकॉर्ड क्या कुछ रहेंगे, सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको दोस्तों सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड यहाँ पे पता चलने वाला है, कौन कौन से की प्लेयर्स रहने वाले दोस्तों, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस मैच की जो ड्रीम इलेवन की टीम रहने वाली है उसको बनाने से पहले इनकी जो रिकॉर्ड रहे हैं पहले हम वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीम क्रिएट करने वाले हैं। बाकी दोस्तों, इस मैच का अगर कोई भी अपडेट रहता है या कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर्स अगर खेलता है दोस्तों, उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी अपडेटेड जो भी टीम रहने वाली है वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर ही अपडेट करवाने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों सनेसी क्रिकेट क्लब के रिकॉर्ड जो रहने वाले दोस्तों, इनके ज्यादातर जो प्लेयर्स रहेंगे वो दोस्तों टी10 के अंदर मैचेस खेले हुए हैं उनके, क्योंकि दोस्तों लास्ट सीजन भी ये एक स्क्वाड रही थी, इनका दोस्तों नाम दूसरा नाम रहा था लास्ट सीजन। इस सीजन दोस्तों इनके दो प्लेयर्स रहने वाले, आधे प्लेयर्स टी20 के रिकॉर्ड के साथ में रहेंगे दोस्तों, और आधे प्लेयर्स का टी10 का रिकॉर्ड भी यहाँ पे रहने वाला है। बाकी दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये जरूर बताइए कि सेंसी का हिंदी में क्या अर्थ होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आपको इसका अर्थ क्या मिलता है। बाकी दोस्तों लास्ट मैच की जो प्लेइंग इलेवन रही थी उसके बारे में अगर देखें तो शिवम सुभाष दोस्तों ये इनके प्रॉपर ओपनर रहते हैं, 64 मैच अभी तक खेल चुके हैं टी20 के, 1180 रन, 24 विकेट इनके नाम रहे दोस्तों टी20 के अंदर ओपनिंग करते हैं। अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें दोस्तों तो अरमान रंधावा ये भी दोस्तों टी20 के अंदर बॉलिंग भी करते थे, लेकिन दोस्तों टी10 के अंदर इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। 15 मैच के अंदर 168 रन इनके नाम रहे हैं, ओपनिंग करने वाले हैं, और दोस्तों अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो तकरीबन 50% लोगों ने दोस्तों इस मैच के अंदर इनको कैप्टन पिक किया हुआ है। दोस्तों इनसे भी आपको अच्छी ऑप्शन कैप्टन के लिए मिल जाएगी, दो की दो रहने वाली दोस्तों लकमल कस्तूरी। दोस्तों इस प्लेयर के ऊपर ध्यान रखना दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंटरनेशनल मैचेज भी खेल चुका है, जो ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड रहती है दोस्तों उसके अंदर भी इन्होंने अच्छे खासे मैच खेले हुए हैं। रिकॉर्ड देखें 17 मैच के अंदर 176 रन और 20 विकेट इनके नाम है दोस्तों, कैप्टन के लिए थोड़ा सा ये सेफली ऑप्शन है रहने वाला है। टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग भी कर लेता है और दोस्तों विकेट टेकर बॉलर रहेगा, पूरी की पूरी 2 ओवर आपको करके देने वाला है। टी20 का रिकॉर्ड देखें 55 मैच खेले हुए हैं, 1130 रन, 86 विकेट इनके नाम रहे हैं टी20 के अंदर। नवीन विजयसेकरा की बात करें दोस्तों, 17 मैच 120 रन, 9 विकेट इनके नाम रहे हैं टी10 के अंदर। दोस्तों टी10 का रिकॉर्ड ऊपर डाला हुआ है, टी20 का रिकॉर्ड मैंने एक्स्ट्रा से अलग से लिखा हुआ है कि उनके आगे 97 मैच के अंदर 1773 रन और 95 विकेट इनके नाम रहे हैं टी20 के अंदर। दोस्तों ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी पिक रहने वाली है। बाकी टी10 के अंदर थोड़ा सा रिकॉर्ड इनका खराब रहा है, लेकिन दोस्तों सामने जो स्क्वाड रहने वाली है वो पूरी की पूरी स्क्वाड दोस्तों टी10 की नहीं रहने वाली अभी तक दोस्तों, टी10 के मैच एक भी उन्होंने नहीं खेले हुए हैं। वहीं पर दोस्तों रेहान अहमद की बात करें तो लास्ट टी20 का मैच देखें तो उस मैच के अंदर दोस्तों इन्होंने ओपनिंग की थी और उस मैच के अंदर शतक इन्होंने लगाया था, लेकिन दोस्तों अगर टी10 का रिकॉर्ड आप यहां पे देख सकते हैं 6 मैच के अंदर मात्र 7 रन इनके नाम रहे हैं, नंबर 7-8 के ऊपर लास्ट सीजन ये बैटिंग करते थे। टी20 का रिकॉर्ड अगर देखें तो 82 मैच के अंदर 1202 रन, 9 विकेट इनके नाम रहे हैं टी20 के अंदर। बाकी दोस्तों हो सकता है इस मैच के अंदर भी आपको ये ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। सरन गिल की बात करें दोस्तों तो टी20 का रिकॉर्ड इनका अच्छा रहा है, 46 मैच के अंदर 454 रन, 21 विकेट अभी तक इनके नाम रहे, लेकिन दोस्तों टी10 के अंदर ये बॉलिंग कर रहे थे, 5 मैच खेले थे, 5 मैच के अंदर 5 विकेट ये निकाल गए थे। जामिल ब्रमखिल दोस्तों 10 मैच के अंदर 43 रन, 2 विकेट इनके नाम रहे दोस्तों, विकेट कीपिंग के लिए इतनी अच्छी ऑप्शन है नहीं रहने वाली, इसलिए दोस्तों दूसरी स्क्वाड की जो विकेट कीपिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलती है उनको ही अपनी टीम के अंदर पिक कीजिएगा। टी20 का रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं रहा दोस्तों, 10 की एवरेज इनकी नहीं आ रही थी, इस मैच के अंदर मात्र 262 रन अभी तक इन्होंने बनाए हुए हैं। सुमेर शेरगिल दोस्तों इनको भी काफी ज्यादा लोगों ने पिक कर रखा है, अगर टी10 का रिकॉर्ड देखें 28 मैच के अंदर 25 रन, 8 विकेट इनके नाम रहे हैं। टी20 का रिकॉर्ड अगर देखें 26 मैच के अंदर 232 रन, 7 विकेट अभी तक इन्होंने टी20 के अंदर निकाले हुए दोस्तों, इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहती है, और दोस्तों काफी ज्यादा लो ऑर्डर के अंदर बैटिंग कर रहे थे लास्ट सीजन। यहाँ पे दोस्तों जो की फैक्टर रहने वाला है वो रहेगा सत्यम सुभाष, शिवम सुभाष एक अलग प्लेयर रहेगा, सत्यम सुभाष एक अलग प्लेयर रहने वाला है दोस्तों। टी10 का रिकॉर्ड अगर देखें 6 मैच के अंदर 26 रन, 5 विकेट, टी20 का रिकॉर्ड भी इनका अच्छा रहा है, 52 मैच के अंदर 63 विकेट, साथ में दोस्तों तकरीबन 1000 रन भी इनके नाम रहे हैं। फरमान मोहिदीन दोस्तों लास्ट सीजन खेले थे, 4 मैच के अंदर 6 विकेट इनके नाम रहे हैं, टी20 के अंदर 21 मैच के अंदर 7 ही विकेट निकाल पाए हैं।
दोस्तों करुण खन्ना दोस्तों इस प्लेयर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये लाइनअप के अंदर आता है दोस्तों ये विकेट टेकर बॉलर रहेगा हर मैच के अंदर। दोस्तों T20 के अंदर विकेट निकाल रहा है, T20 के अंदर दोस्तों इनकी तकरीबन जो एवरेज रहती है 2 विकेट की हर मैच के अंदर, विकेट की एवरेज रहती है 23 मैच के अंदर 42 विकेट अभी तक निकाल चुका है। बाकी दोस्तों बैटिंग ये नहीं करता है क्योंकि नंबर 10 ये गैर के ऊपर ही खेलने वाला है। दोस्तों ये लास्ट मैच की इनकी प्लेइंग 11 रही थी। बाकी कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स का रिकॉर्ड भी मैं आपको यहाँ पे कवर करवा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों हो सकता है उनमें से भी कोई प्लेयर है इस मैच के अंदर कोई एक्सचेंज कर सकता है। बासित इकबाल 9 मैच खेले हुए हैं, ना तो इनकी बैटिंग आई है ना इनसे बॉलिंग करवाई गई थी T10 के अंदर। T20 का रिकॉर्ड देखें तो 29 मैच के अंदर 126 रन 23 विकेट इनके नाम रहे हैं। वही पर दोस्तों दिनन गेलजाई की बात करें 4 मैच के अंदर 16 रन T10 के अंदर, T20 के अंदर 20 मैच के अंदर 173 रन 14 विकेट अभी तक इनके नाम रहे हैं। जुबेर अजीजी 3 मैच खेले हुए 4 ही रन इनके नाम रहे हैं। वही दोस्तों द्वित विजयशेखरा की बात करें तो 51 मैच के अंदर 114 रन और 29 विकेट इनके नाम रहे हैं। दोस्तों इनको भी बहुत सारे लोगों ने पिक कर रखा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो की फैक्टर रहने वाला है वो दोस्तों यहाँ पे आप दूसरी जो स्क्वाड रहने वाली है ऑस्ट्रेलियन डेयरडेविल्स। दोस्तों इनके जो प्लेयर्स रहेंगे उन्होंने एक आधे मैच के अलावा दोस्तों ज्यादा मैच अभी तक T10 के खेले नहीं है। इनके जो रिकॉर्ड रहेंगे वो सारे के सारे T20 के रहने वाले हैं। दोस्तों इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर कहीं मैंने आप यहाँ पे लिखा नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पे मान लें कि T10 के रिकॉर्ड रहेंगे, T20 ओनली रिकॉर्ड, तो इस बात का तो ध्यान रखिएगा दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप T10 का रिकॉर्ड मान के अगर टीम क्रिएट कर लेते हो यहाँ पे दोस्तों लास्ट मैच की जो प्लेइंग रही थी T20 मैच जो रहा था दोस्तों उसकी अगर साइन मोहम्मद दोस्तों ये इनके ओपनर रहते हैं 12 मैच के अंदर 166 रन इनके नाम रहे हैं। वही पे दोस्तों राहुल रफीउल्ला भी 2 मैच के अंदर 18 रन बना चुके हैं। विकेट कीपिंग ऑप्शन के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। ज्यादा रिकॉर्ड दोस्तों मुझे इनका नहीं मिला है, विकेट कीपिंग के लिए थोड़े से सेफली ऑप्शन रहेंगे क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग कर रहे हैं। 2 मैच के अंदर 18 ही रन इनके नाम रहे दोस्तों, ज्यादा कुछ रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला है कैसी कुछ परफॉर्मेंस ये करने वाले हैं। बाकी लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग इन्होंने की थी। वालीउल्लाह मंदोज की बात करें दोस्तों 21 मैच के अंदर 398 रन 38 विकेट इनके नाम रहे हैं। दोस्तों ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों के अंदर आप इनको रख सकते हैं, थोड़ा सा सेफली ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। बूस्ट मर्द ओमारी की बात करें दोस्तों 21 मैच के अंदर 398 रन इनके नाम रहे, नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करते हैं बॉलिंग नहीं करते हैं। वही पर दोस्तों शेखावत जार्डन दोस्तों 24 मैच के अंदर 483 रन 6 विकेट इनके नाम रहे हैं, नंबर 5 के ऊपर बैटिंग करने वाले हैं और दोस्तों रेगुलर बॉलिंग नहीं करते थे T20 के अंदर भी। वही पर दोस्तों यहाँ पे नरेंद्र थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये बैटिंग के साथ में बॉलिंग भी करता है। 14 मैच के अंदर 154 रन 11 विकेट इनके नाम रहे। वही दोस्तों अजमल और या खिल की बात करें तो 12 मैच के अंदर 148 रन 12 विकेट अभी तक इन्होंने निकाले हुए हैं T20 के अंदर। यहाँ पे दोस्तों अबिदुल्ला साफी 17 मैच खेल चुके हैं, 17 मैच के अंदर 149 रन 10 विकेट अभी तक इन्होंने भी निकाले हुए हैं। शाहिद अबीद की बात करें तो 18 मैच के अंदर 18 रन और 18 विकेट अभी तक इनके नाम रहे T20 के अंदर। वही दोस्तों इबाद फरमानी की अगर बात करें आपको ड्रीम इलेवन के अंदर इबाद फरमान रहमान नाम से आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इनका नाम पूरा नाम इबाद रहमानी ही रहने वाला है। 24 मैच के अंदर 62 रन और 13 विकेट अभी तक इनके नाम रहे हैं। लास्ट मैच के अंदर दोस्तों नाकी जाफरी लास्ट मैच के अंदर एज ए बॉलर खेले थे, नंबर 11 के ऊपर बैटिंग करने आए थे। 20 मैच के अंदर 24 विकेट अभी तक इनके नाम रहे हैं। दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स जो इनके रहने वाले हैं उनका अगर रिकॉर्ड यहाँ पे देखें दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अगर ये खेलते तो आप इनको भी अपने टीम के अंदर पिक कर सकते हैं। इनमें दोस्तों जो की प्लेयर्स रहने वाले हैं वो दोस्तों कोई भी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहरुल्ला जाबर खेल 10 मैच के अंदर 1 रन 2 विकेट। वहीं पर दोस्तों तारिक अहमदई 8 मैच के अंदर 2 रन। प्रयान ओमारी की बात करें तो 1 मैच खेला हुआ 1 मैच के अंदर कोई रन नहीं कोई विकेट नहीं। जैन जाफरी 16 मैच के अंदर बैटिंग अभी तक 1 मैच के अंदर आई नहीं थी और 4 विकेट इनके नाम रहे हैं। बाकी दोस्तों लाइनअप आने के बाद में मैं आपको जो ड्रीम इलेवन की टीम रहने वाली है उसका अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी टीम बनाने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे रहने वाला, क्योंकि दोस्तों जो ये जो पूरी की पूरी स्क्वाड रहने वाली है डेयर डेविल्स की वो पूरी की पूरी न्यू स्क्वाड रहेगी। लाइनअप आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा डिसाइड भी हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर्स कहाँ पे बैटिंग करने वाला है और कौन सा प्लेयर दोस्तों इस मैच के अंदर की फैक्टर बन सकता है। साथ में दोस्तों जो सनेसी क्रिकेट क्लब का 1 मैच इनसे पहले रहने वाला है तो उसका भी दोस्तों पता चल जाएगा कि कौन से प्लेयर्स उस मैच के अंदर परफॉर्मेंस करते हैं, कौन से प्लेयर्स पूरे 2 ओवर डालने वाले हैं और साथ में बैटिंग लाइनअप भी उस मैच का पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से दोस्तों जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं।